संजय चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गया। संजय जी, प्रियंका गांधी कह रही है भाई आपके बीजेपी के लिए तो दरवाजे गठबंधन के बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुले हैं, क्या कहेंगे? कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई तालमेल हो ही नहीं सकता है, जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार हों, जो देश में भ्रष्टाचार के लिए दागी हों, जो महिलाओं के कल्याण के लिए तीन तलाक जैसे मुद्दों के लिए देश की आधी आबादी के खिलाफ हों, जिन पर इस बात का इल्जाम हो कि देश की आजादी के बाद भी मुसलमानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, जो इस बात के लिए इंतजार दागदार हो कि सेना का आधुनिकीकरण नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि विकास के विरोधी लोग विकास के समर्थक नहीं हो सकते। इसीलिए जब गांव गरीब किसान के लिए खाते खुलवाने की बात होती हो, चाहे भ्रष्टाचार से मुक्त होकर उन्होंने डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर होने की बात होती हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात होती हो, तो इन सारी चीजों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है। तो ऐसी जनविरोधी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल सपने में भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो दो विरोधी ध्रुव हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी है इस देश में आपातकाल। वो तो ये भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही धरातल पर खेल रहे हैं, दोनों ही एक जैसी पार्टियां हैं। पिछली बार इन्होंने ही गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी से, हालांकि कोई फायदा हुआ नहीं था। जी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल समर्थन में हूँ, देश इसके समर्थन में है और उत्तर प्रदेश इसके समर्थन में है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये लोग अपना चेहरा बचाने के लिए एक दूसरे के विरोध करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों राजनीतिक दल मिले हुए हैं, इसकी सोच एक जैसी है। ये जिन्ना समर्थक हैं, ये राम जन्मभूमि के विरोधी हैं, ये राम को काल्पनिक कहते हैं, ये विकास के विरोधी हैं। तो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अंदर से मिले जुले हैं, ये मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए ये अभी केवल कहने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं। क्या लगता है संजय जी, प्रियंका गांधी वाड्रा को क्या लग रहा होगा अभी परिस्थितियां देखकर कि बीजेपी हो सकता है कांग्रेस से गठबंधन करे, जैसे हालात बन रहे हैं, क्या इस वजह से ऐसा बयान दिया गया प्रियंका गांधी की तरफ से? नहीं, ऐसा कहीं दूर से भी संभावना नहीं। और कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश में सूख चुकी हैं, आप देखते हैं कि कांग्रेस का विधानमंडल दल जो 7 सदस्यों का था। संजय जी, सचिन जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। सचिन जी, संजय जी जुड़े हैं बीजेपी के का पक्ष रखने के लिए, वो कह रहे हैं भाई हमें क्यों जरूरत पड़ेगी आपसे गठबंधन करने की, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अब उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है। योगी आदित्यनाथ जी जब तक मुख्यमंत्री बने हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और उत्तर प्रदेश की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में युवा आंदोलन कर रहे हैं रोजगार के नाम पर, महिलाएं जो उनको असुरक्षा महसूस हुई सरकार में वो सुरक्षा की मांग कर रही हैं, और किसान इनकी सरकार में बदहाल हो गया। नहीं सचिन जी, प्रियंका गांधी कह रही है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही तरीके से खेल रहे हैं, पिछली बार 2017 में फायदा नहीं हुआ था इसलिए बुराई समाजवादी पार्टी की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक देखिए क्या है, 2017 में हमारा गठबंधन था, लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों से गठबंधन वो सही चला नहीं। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं पे कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपने भी देखा होगा जिस तरह से उम्रा की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, सब जगह की घटनाओं में श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने मुख्य विपक्षी रूप से अपनी जिम्मेदारी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को आने वाले वक्त में जरूरत पड़ती है गठबंधन की, तो कांग्रेस के दरवाजे तो बंद है बीजेपी के लिए, ये कह रहे हैं आप? संजय जी जवाब दीजिए। देखिए अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने ही कहा कि विषम परिस्थितियों के कारण कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन नहीं हो गया। तो इस विषम को सम बनाने के लिए ये अभी भी प्रयासरत है, ये अंदर से मिले जुले हैं। ये मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जहां धर्म के आधार पर, जहां संस्कृति के आधार पर, जहां सनातन परंपरा के आधार पर लोग विश्वास रखते हैं, वहां ये राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं, ये विकास के विरोधी हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा इसमें एकदम साथ है, इनका तालमेल है, ये मिले जुले हैं, ये साथी है, और इस विकास के विरोध की ये सचिन जी। ठीक है संजय जी, एक सवाल है मेरा लास्ट सचिन जी से, सचिन जी क्यों आखिर प्रियंका गांधी कह रही है कि उनके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा है कांग्रेस में? अगर मुख्यमंत्री पद के सवाल का जवाब उन्होंने जब दिया तो उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई दिख रहा है क्या, खाली अकेले वो ही क्यों दिख रही हैं, बाकी सब कहाँ हैं?
देखिए जहां तक उन्होंने कहा कि मैं महासचिव हूं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूं, हाँ। और अगर हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है पार्टी में, हाँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहां स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा है कि सीडब्ल्यूसी की कमेटी, हमारी वर्किंग कमेटी तय करेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन आज अगर जनमुद्दों की सफाई बाद में दी गई है। चलिए सज्जन जी और संजय जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए।